उनके लिए एकमात्र इलाज बुलडोजर ही है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मुकदमे आप कितने भी हम पे कर लें, हम डरने वाले लोग नहीं। बंदों की नली भी डाल दिए और कहा मैं सबको चिन्हित कर रहा हूँ, इसको साले को दमाद डालना, इसको छोड़ना नहीं है, लेकिन चुनाव जीतने दीजिए, इसलिए इस लायक मैं हूँ। देवमड़िया भी इनको नहीं बचा पाएगा, जो हमारे सम्मानित विधायक जी हैं। और ना तो मेरे घर कोई घटना ही हुई, मारपीट भी नहीं हुई। मेरे बेटे का जन्मदिन था, वहाँ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। नवाबों के शहर मेट्रो सिटी लखनऊ में कब्जे युक्त आवासीय प्लॉट लेने के लिए संपर्क करें 9670596700। फरसे की धार पर सत्ता का कानूनी प्रहार। फरसाधारी संतोष पांडे को भारी पड़ी साइकिल की सवारी। बीजेपी विधायक का दावा, अब चलेगा बुलडोजर। न बचेगी साइकिल, न रहेंगे संतोष पांडे। बाहुबली संतोष पांडे ने भी भरी हुंकार। दम है तो भेजो जेल, हर कुर्बानी को है तैयार। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागजी फूलों से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में नकली बनाम असली की जंग तेज हो गई है। एक तरफ फरसे की धार तो दूसरी तरफ सत्ता रूपी कानूनी औजार। एक तरफ सपा नेता संतोष पांडे हैं तो दूसरी तरफ योगी सरकार और उनके विधायक। जबरदस्त घेराबंदी चल रही है साइकिल की सवारी वाले फरसाधारी संतोष पांडे की। संतोष पांडे और उनके समर्थकों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है सुल्तानपुर पुलिस ने। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताएंगे और समझाएंगे, लेकिन कौन सच्चा और कौन झूठा, ये फैसला आपको करना है। दरअसल भगवान परशुराम का अभियान छेड़ भाजपा पर हमलावर रहने वाले संतोष पांडे सुल्तानपुर की लंबुआ विधानसभा की सरजमी से ताल्लुक रखते हैं। लंबुआ सीट से ही भाजपा के विधायक हैं देवमणि द्विवेदी। जाहिर है 2022 में संतोष पांडे और देवमणि आमने सामने हैं। वहीं ताजा घटनाक्रम में भाजपा विधायक देवमणि द्विवेदी के करीबी और उनकी पार्टी के नेता जयशंकर त्रिपाठी सुर्खियों में हैं, जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया संतोष पांडे और उनके समर्थकों के खिलाफ। भाजपा के विधायक देवमणि द्विवेदी दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के नेता जयशंकर त्रिपाठी अपनी रिश्तेदारी में आयोजित बर्थडे पार्टी में हिस्सा लेने गए थे। उनकी भिड़ंत सपा के पूर्व विधायक संतोष पांडे और उनके गुर्गों से हो गई। विधायक जी का ये दावा है कि अब तो बुलडोजर चलेगा, तभी सपा ब्रिगेड का दिमाग ठीक होगा। अब ये अपने रिश्तेदारी में गए थे जयशंकर तिवारी जी, अब अगर ऐसे लोगों के फुल व्यू में 50 लोग 100 लोग जहाँ पर बच्चे का एक जन्मदिवस का कोई कार्यक्रम है, वैसे में बदतमीजी करना और चलना फिरना और धमकी देना और जान लेने पर उतारू होना, ये सब कोई मामूली बातें नहीं है। ये सब चीज़ें चलेंगी नहीं, वो माहौल खराब नहीं कर सकते किसी भी, कोई सपा सपाई चाहे जितना बड़ा गुंडा हो, उसकी योगी सरकार मोदी सरकार के सामने चलने वाली नहीं है। उनके लिए एकमात्र इलाज बुलडोजर ही है। मगर अफसोस, जिसके घर पर बवाल होने का दावा भाजपा विधायक कर रहे हैं, जो कि पीड़ित भाजपा नेता का रिश्तेदार भी है, उसका साफ कहना है कि उनके घर पर कुछ हुआ ही नहीं। और ना तो मेरे घर कोई घटना ही हुई, मारपीट भी नहीं हुई। मेरे बेटे का जन्मदिन था, वहाँ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। सुना और देखा आपने, अब आप तय कीजिए आखिर मामले की सच्चाई क्या है। वहीं सीओ लंबुआ का कहना है कि विवेचना निष्पक्ष हो रही है। कुल 5 धाराएं लगी हैं, जिसमें आईपीसी की 307, 452 जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत वादी जयशंकर त्रिपाठी निवासी नगर पंचायत लंबुआ की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में मुकदमा अपराध संख्या 558/21 एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें पूर्व विधायक संतोष पांडे के साथ 8 नामजद एवं 10 अज्ञात लोगों को नामित किया गया है। इसकी विवेचना सुसंगत तथ्य एवं साक्ष्य के आधार पर निष्पक्ष विवेचना स्थानीय स्तर से सुनिश्चित कराई जा रही है। वहीं सपा के पूर्व विधायक संतोष पांडे ने भगवान परशुराम के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ लंबे समय से साजिश चल रही है, लेकिन वो किसी साजिश से डरते नहीं है और जेल जाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि लंबुआ ही नहीं उत्तर प्रदेश की करोड़ों जनता उनके साथ है।
मैंने कहा अगर आप आ रहे हो, मैं कोई ऐसा अपराधी नहीं हूँ ना, मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं घर पे हूँ, अपने इंतजार कर रहा हूँ, आप आ जाइए, मेरा घर चेक करना हो कर लीजिए, या जो मैंने अपराध किया हो आप उसको साबित कर दीजिए, मुझे अगर जेल में डालना है आपको, आपको जेल भेजना है, मुझे भेज दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। ये थी वो सियासी कहानी जिसमें सियासत आर पार की है। कहानी भले एक है लेकिन सियासत और साजिश के कॉकटेल में कई किरदार हैं जो एक दूसरे के खिलाफ जंग छेड़ चुके हैं। अब देखना यह होगा कि सत्ताधारी पार्टी भगवान परशुराम के फरसे की धार खत्म करने में सफल हो पाएगी या संतोष पांडे परशुरामी फरसे से भाजपा को साफ कर साइकिल दौड़ा पाएंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। स्पेशल रिपोर्ट NTTV भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।